हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआर स्टडी पॉइंट। रीजनिंग के छठे सेशन में आपका स्वागत है। बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देयर आर सेवन पर्संस, सात व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। क्वेश्चन में बोला है कि सात पर्सन है, व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक ट्रायंगुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर, सातों व्यक्ति का जो फेस है वो सेंटर की ओर है। थ्री पर्सन सीट एट द कॉर्नर, जिनमें से सात में से तीन व्यक्ति जो है ना वो ट्रायंगल के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। वाइल जबकि फोर पर्सन आर सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल, जबकि चार ऐसे व्यक्ति हैं जो उस ट्रायंगुलर टेबल के एज पर बैठे हुए हैं। टू पर्सन सिटिंग ऑन द सेम एज ऑफ द टेबल्स, उन चार में से दो ऐसे पर्सन हैं जो किसी एक साइड के साथ में बैठे हुए दोनों व्यक्ति। फिर आगे बोला कि वाइल रेस्ट टू पर्सन सिटिंग ऑन द डिफरेंट साइड, बाकी जो दो व्यक्ति हैं ना वो अलग अलग साइड में बैठे हुए हैं। ये हमारा इंस्ट्रक्शन बोला। अब एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। इस ट्राइंगल में तीन ऐसे व्यक्ति हैं जो कहाँ बैठे हुए हैं, कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। तो ये हमारा तीन व्यक्ति का सिटिंग हो गया कॉर्नर की तरफ में, क्लियर। अब इसके बाद क्या बोला है, अब चार ऐसे व्यक्ति हैं, चार ऐसे व्यक्ति में से दो इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो सेम एज पे बैठे हुए हैं। तो ये हमारा एज, मान लो कि ये वाला एज जो है, यहाँ पे दो व्यक्ति ऐसे बैठे हुए हैं और दो बाकी बचे जो व्यक्ति हैं ना वो बाकी दो एज पे बैठे हुए, ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब इसमें बोला है इस लाइन में कि बी का जो पड़ोसी है वो कॉर्नर के कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब मान लो कि बी के एक केस में हमारे पास यहां पे पॉसिबिलिटी हो गया, तो इसका इमीडिएट नेबर एक यहां और यहां, ये कॉर्नर हो गया। एक पॉसिबिलिटी में हम लेके चल सकते हैं कि बी यहां भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में एक ये कॉर्नर और ये कॉर्नर उसका इमीडिएट नेबर हो गया। आगे बोला कि द पर्सन हु इज सिटिंग टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी सिटिंग ऑन द ए ऑन एन एज। अब इसमें बोला है कि द पर्सन हु इज सिटिंग टू प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ बी, वह व्यक्ति जो बी के दो प्लेस लेफ्ट में बैठा हुआ है, सिटिंग ऑन एन एज वेयर टू पीपल्स आर सिटिंग, वह उस एज पे बैठा हुआ है जहां जिस एज पे दो व्यक्ति बैठ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, पी का फेसिंग इनसाइड है, इसके सेकंड लेफ्ट की बात, तो फर्स्ट और सेकंड ये वाला एज, और सीधी सी बात है इस एज पे जो व्यक्ति बैठेगा वो दो एज, दो यहां पे इस एज पे कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, दो एज वाले दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्लियर। अब आगे क्या बोला, आगे बोला कि सी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी जो है ना बी और डी का इमीडिएट नेबर है। सी किसका किसका नेबर है जी, बी और डी का। तो हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी बना, तो जब एक और पॉसिबिलिटी बनी तो हम एक और ट्रायंगल कर लेते हैं पॉसिबल के रूप में, ठीक है। ये हमारा कॉर्नर के पास तीन व्यक्ति बैठ गए, क्लियर। चलो ये हमारे एज पे बैठ गए और ये वाला एज जहां पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, ये कंडीशन हमारा बी का है। अब ये लाइन में बोला कि सी किसके किसके नेबर में है, बी और डी के नेबर में है। तो इस डायग्राम में डी यहां पे हो गया, तो डी और बी के नेबर में कौन हो गया, सी हो गया। अब इस डायग्राम की ले लो, तो बी यहां पे है, तो यहां पे कौन हो सकता है, डी हो सकता है, तो यहां पे कौन होगा, सी होगा। आगे क्या बोला कि ए इज सिटिंग टू प्लेस अवे फ्रॉम डी, ए जो है जहां भी डी बैठेगा उससे दो प्लेस अवे, दो स्थान दूर पे बैठा हुआ है। तो डी यहां पे है, तो फर्स्ट सेकंड यहां पे कौन बैठ गया, ए बैठ गया। अब यहां पे डी है तो टू प्लेस अवे तो इधर तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी सी और बी बैठा हुआ है। तो टू प्लेस की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे एक प्लेस और एक प्लेस, यहां पे वो ए बैठ जाएगा, क्लियर। और क्या बोला, एंड और इज सिटिंग एट द एज ऑफ द टेबल, और ए जो है वो कहां बैठा हुआ है, टेबल के एज पे बैठा हुआ है, जबकि इस अरेंजमेंट में ए जो है वो कहां बैठा है, टेबल के कॉर्नर में बैठा हुआ है। तो ये हमारी अरेंजमेंट पॉसिबिलिटी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी अभी हमारी चल रही है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि जी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, जी जो है किसके नेबर में नहीं है, बी के नेबर में। बी के नेबर में कौन नहीं आ रहा है, जी नहीं आ रहा है। फिर आगे बोला F is not the immediate neighbor of E, और E के नेबर में कौन नहीं होगा, F नहीं होगा। F is not immediate neighbor of E, F जो है E के नेबर में नहीं है। Who does not sit adjacent to A, who मतलब कौन, E जो है वो किसके नेबर में नहीं है, A के नेबर में नहीं है। तो A तो हमारा यहां बैठा है, तो यहां पे और यहां पे
इस प्लेस पे और इस प्लेस पे हमारी ई नहीं बैठेगा, तो ई कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। जैसे ही ई बैठा यहां पे, तो इस लाइन को पकड़िए कि ई के आस पड़ोस में एफ नहीं बैठा है, तो एफ तो यहां पे भी नहीं बैठ पाएगा क्योंकि यहां आपके इसके बगल में ई है, तो एफ कहां बैठ गया, इस प्लेस पे बैठ गया। जैसे ही एफ यहां बैठे, तो अब हमारा एक व्यक्ति बचा है कौन, जी, और वो यहां पे बैठ गया। क्लियर, ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगुलर टेबल। क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से कौन ऐसे दो व्यक्ति हैं जो सेम साइड बैठे हुए हैं, ट्रायंगुलर टेबल के सेम साइड में बैठे हुए। ये हमारा सॉल्यूशंस रहा। अब सेम साइड में कौन है जी, ए है और जी है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड डी। ई और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो ई हमारा यहाँ पे है और डी हमारा यहाँ पे है, तो इसके बीच में, तो एक साइड होगा ई के राइट से होगा और एक हमारा होगा ई से लेफ्ट में। अगर ई से राइट जाते हो तो टू पर्सन होगा, क्लियर। अगर ई से लेफ्ट में जाते हो तो थ्री पर्सन होगा। ये दो में से कोई एक हमारे ऑप्शन में मिलता है तो वो हमारा आंसर होगा। अब क्या बोला है, नन, ऐसा तो नहीं है कि ई और डी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। वन, वन तो होगा नहीं, टू होगा नहीं, थ्री दिया हुआ है लेकिन मेंशन नहीं किया है थ्री किधर से, लेफ्ट से कि राइट से, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कांट बी डिटरमाइंड। अगला क्वेश्चन, अब अगला बोला है कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर ऑफ इच अदर। दिए गए विकल्प में से ऐसे कौन है जो एक साथ बैठे हुए हैं, एक दूसरे के आस पड़ोस में, बी और एफ। देखो बी यहां पे है, एफ यहां पे है, एक साथ तो बैठे हुए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया। ई और सी, अब देखो ई यहां पे है, अब सी यहां पे है, एक साथ है नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। जी और ए, यस, जी और ए एक साथ बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न में क्या बोला है कि हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में एकदम कौन बैठा है, तो यहां पे बी है, यहां पे जी है, तो इसके बीच में कौन बैठा है, ई बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में सेकंड पे कौन बैठा, तो ई यहां बैठा, इसके सेकंड राइट में, तो फर्स्ट राइट में हमारा बी हो गया, सेकंड में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, सिक्स पर्सन ए बी सी डी ई एफ। अब कितने व्यक्ति हैं, छह व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ हैव डिफरेंट चॉकलेट। इन छह व्यक्ति के पास कितने अलग अलग प्रकार के चॉकलेट हैं, व्रुनवेल है, डेयरी मिल्क है, किटकैट है, फाइव स्टार है, पर्क है और मिल्क बार है, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये चॉकलेट जो है जरूरी नहीं कि वो लोग इसी क्रम में उनके पास हो। अब आगे क्या बोला है कि इच हैड डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। अब सबके पास अलग अलग नंबर चॉकलेट हैं, किसी के पास कुछ और हो सकता है। नंबर क्या दिया है, एक दो तीन चार पांच और छः, ये छः तक नंबर दिया हुआ है, किसके पास कितना चॉकलेट है ये हमको निकालना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो ए बी सी डी ई और एफ, ये छः व्यक्ति हो गए, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को ही चॉकलेट होगा और उन्हीं के पास कितने नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे ये हमको फाइंड करना है। तो यहां पे चॉकलेट का नाम दे दो और यहां पे नंबर ऑफ चॉकलेट, ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, अब बोला है कि द नंबर ऑफ फाइव स्टार वाज ट्वाइस एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट विथ ए। इस लाइन में बोल रहा है कि ए के पास जितने भी नंबर के चॉकलेट होंगे उनसे दो गुना होगा क्या, फाइव स्टार। तो मान लो कि ए के पास एक्स चॉकलेट है, तो फाइव स्टार कितने होंगे जी, टू एक्स होंगे। अगर इस लाइन को रीड करो, हमारे पास जो नंबर ऑफ ट्रॉफी दिए हुए हैं उसको अगर रीड करोगे, तो दो और तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है और बन रहा है, सॉरी, दो और चार का कॉम्बिनेशन बनेगा और बन सकता है तीन और छह का। मतलब कि अगर ए के पास दो चॉकलेट हुआ तो फाइव स्टार जिसके पास भी वो कितना होगा, चार होगा। अगर ए के पास तीन चॉकलेट हुआ तो जिसके पास भी फाइव स्टार होगा उसके पास कितने चॉकलेट होंगे, छह फाइव स्टार होंगे, ये लाइन कह रहा है। आगे बोला कि डी हैड पर्क, डी के पास कौन सी ट्रॉफी है, पर्क है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, विच हैज थ्राइस द नंबर ऑफ डेयरी मिल्क। Which has, मतलब किसके पास, D के पास उतने चौक पर्क हैं, कितना, जिसके पास भी डेयरी मिल्क है उसके तीन गुना में। तो तीन गुना का मतलब एक ही हमारे पास इस लाइन में, तीन का दो और तीन का गुना कितना जी, छः। मतलब कि डेयरी मिल्क कितने होने चाहिए, दो। जिसके पास भी डेयरी मिल्क होगा वो कितना होगा, दो होगा। और पर्क की संख्या कितनी होगी, छः। तो मतलब D के पास कितने पर्क, छः पर्क। अब इस लाइन को D को पर्क से जोड़ोगे तो हमारा जो A और फाइव स्टार को लेकर के एक कॉम्बिनेशन निकला हुआ था तीन और छः का, तो ये गलत हो गया। मतलब कि
ए के पास कितने टॉफी होंगे, दो चॉकलेट होंगे, और फाइव फिशर कितने होंगे, चार। क्लियर। अब यहां पे बोला था कि जिसके पास भी डेयरी मिल्क होगा उससे तीन गुना डी के पास पर्क होगा, तो हम कह सकते हैं कि डेयरी मिल्क जो है वो कितना होगा, दो। अब दो की संख्या किसके लिए आई है, ए के लिए आई है, मतलब कि ए के पास दो टॉफी होगा और वो कौन सा होगा, डेयरी मिल्क होगा। ये बात क्लियर, ठीक है। अब हमारे पास फाइव स्टार की संख्या कितनी हो गई, चार हो गई है। क्लियर। अब आगे बढ़ो, आगे बोला कि ए फेड फाइव चॉकलेट, एफ के पास कितने चॉकलेट है, पांच चॉकलेट है। नंबर ऑफ पर्क वाज ट्वाइस एज दैट ऑफ द नंबर ऑफ किटकैट। नंबर ऑफ पर्क, पर्क के पास जितना पर्क है वो दो गुना है किससे, जिसके पास किटकैट है। तो पर्क कितना है जी, छह है, ठीक है। मतलब कि डेयरी मिल्क कितना होगा, सॉरी किटकैट कितना होगा, किटकैट वो तीन होगा, क्योंकि जितने भी जितना जिसके पास किटकैट है उससे दो गुना जिसके पास है वो पर्क है। क्लियर। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोला है कि ई हैड इधर थ्री और फोर चॉकलेट, ई के पास या तो तीन नहीं तो चार में से कोई एक चॉकलेट है। अब आगे बोला है कि देयर वाज ओनली वन ब्रोनविला, केवल और केवल ब्रोनविला जो है वो कितना है जी, केवल एक है। ये बोला क्वेश्चन में, लाइन में हमारा बोला है कि बी डिड नॉट हैव लिस्ट नंबर ऑफ चॉकलेट, और सबसे नंबर क्या है जी, एक हमारा लिस्ट है, तो बी के पास एक नहीं होगा। एंड और डिड नॉट हैव किटकैट, और क्या नहीं है, किटकैट नहीं है, तो किटकैट के पास कुल कितने चॉकलेट हैं, जितने भी जिसके पास किटकैट होंगे उनके पास तीन चॉकलेट होगा। मतलब कि बी के पास ना ही एक होगा और ना ही तीन होगा, तो क्या बचा, चार। और चार किसके लिए आया था, फाइव स्टार के लिए आया था। क्लियर। तो ई को हमारे पास तीन या चार में से कोई एक नंबर ऑफ चॉकलेट था, तो चार खत्म हो गया, तो क्या बचा, तीन बचा। और तीन किसके लिए था, किट कैट के लिए। मतलब कि ई के पास तीन चॉकलेट होगा और कौन सा होगा, किटकैट होगा। डी के पास पर्क होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, छह होगी। बी के पास फाइव स्टार होगा और उस चॉकलेट की संख्या कितनी होगी, चार होगी। ए के पास डेयरी मिल्क होगा और उसके पास चॉकलेट की संख्या कितनी होगी, दो होगी। क्लियर। अब हमारे पास एक ब्रोनविला बचा हुआ है और नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है, एक है। हमारे पास सी है और एफ है, तो ज्ञात रहे एफ के लिए हमको चॉकलेट ज्ञात करना है, जबकि सी के लिए नंबर ऑफ चॉकलेट्स और चॉकलेट भी ज्ञात करना है। तो ब्रोनविला बचा हुआ है तो सी के लिए एक चला गया और ये क्या हो गया, ब्रोनविला, ब्रोनविल हो गया। अब हमारे पास कोई एक चॉकलेट बचा हुआ है, वो क्या है जी, मिल्क बार। तो एफ के लिए क्या हो गया, मिल्क बार हो गया। क्लियर। आते हैं अब इस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या बोल रहा है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैड द मिल्क बार, मिल्क बार किसके पास है, मिल्क बार किसके पास है जी, एफ के पास। ऑप्शन नंबर ई, विच ऑफ द फॉलोइंग चॉकलेट्स वाज विद सी, सी के पास कौन सा चॉकलेट है, सी के पास ब्रोनविल है। ऑप्शन नंबर सी, हाउ मेनी मिल्क बार वेयर देयर, हाउ मेनी मिल्क बार वेयर देयर, जिसके पास भी मिल्क बार है उसकी संख्या कितनी है, फाइव है। आगे बोला है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट विद ए एंड बी, ए और बी के बीच जो चॉकलेट्स है ना उनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो देखो ए के पास दो है, बी के पास कितना है जी, तीन, तो डिफरेंस क्या होगा, एक का होगा। एक लाइन देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट में, ये चेंज लैंग्वेज जो दिया हुआ है ना, ये बाय डिफॉल्ट टाइपिंग मिस्टेक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पर्क एंड डेयरी मिल्क। अब जिसके पास पर्क है और डेयरी मिल्क है, क्लियर, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, तो पर्क की संख्या कितनी है, छह है। डेयरी मिल्क की संख्या कितनी है, दो है, तो डिफरेंस क्या होगा, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन बेस है। अब इसमें बोल रहा है कि देयर आर थ्री मैरिड कपल्स, कितने कपल्स हैं, थ्री मैरिड कपल्स, विच वन चिल्ड्रन इच इन द फैमिली, प्रत्येक मैरिड कपल्स के पास एक बच्चे हैं। नो बडी हैज एनी ग्रैंड चिल्ड्रंस, किसी भी कपल्स के पास कोई ग्रैंड चिल्ड्रंस नहीं है। मतलब इतना हमको पता है कि अब तीनों जो मैरिड कपल्स होंगे वो सेम जनरेशन में होंगे और सबके पास एक एक बच्चे हैं। क्लियर। अब बोला है कि ई इज द ब्रदर ऑफ वाई, ई जो है किसका भाई है, वाई का, तो प्लस, ठीक है। S is the daughter of O sister. O की एक बहन है, क्लियर है, उसकी बेटी कौन है, S है, ये लाइन कह रहा है। फिर आगे बोला है कि L is the father of P. L जो है ये किसके फादर है, P के फादर है, तो प्लस हो गया। अब आगे बोला है R is the sister in law of Y. बस इस लाइन को समझिएगा,
आर जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ, किसकी, वाई की। अब सिस्टर इन लॉ से रिलेशन बहुत सारे निकल सकते हैं, हो सकता है कि भाभी की बहन को भी हम कहते हैं सिस्टर इन लॉ, क्लियर है, भाभी को भी कहते हैं सिस्टर इन लॉ, या भवह जो होती है उनको भी कहते हैं सिस्टर इन लॉ। तो आर जो है वो वाई की सिस्टर इन लॉ है, तो एक केस में देखिए वाई का भाई कौन है, ई है, तो क्यों ना हम इस आर को यहां पर रखते हैं ई के साथ, अगर ये माइनस होगी तो ई और आर दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इस केस में भी हमारा आर जो है वो वाई की सिस्टर इन लॉ है, ऑफ कोर्स हो जाएगी, ठीक है। वाई हैज टू नेफ्यू, वाई के पास कितने नेफ्यू है, टू नेफ्यू, एंड वन ऑफ देम इज डी, और उन दोनों में से एक क्या है जी, डी उसका नेफ्यू है, क्लियर। एन इज द आंट ऑफ पी, अब एन जो है वो आंट है, तो एन पे माइनस हो गया, आंट का मतलब क्या हो सकता है, हम अपनी चाची को भी आंट कहते हैं, मामी को भी आंट कहते हैं, बुआ को भी आंट कहते हैं, मौसी को भी आंट कहते हैं, ठीक है, इतने सारे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, आंट बोलते हैं। अब यहां पे एन जो है वो पी की आंट हो रही है, क्लियर। अब एक चीज देखो, यहां पे कोई भी क्या बोलते हैं ग्रैंड चिल्ड्रन वाला रिलेशन तो यहां पर निकलेगा नहीं, सब एक जनरेशन में निकलेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे पास एक बात और बोला है कि ओ की एक बहन है जिसकी बेटी, जिसका लड़का है कौन, एस है, क्लियर। अब देखो यहां पे पी है, पी और एल, तो अब आंट की बात है, तो ये जो रिलेशन है एन का एल के साथ हस्बैंड वाइफ का तो होगा नहीं, क्योंकि एल जो है ना वो पी का फादर है, अगर एन और एल होगा तो फिर एन जो है ना वो पी की मदर हो सकती है, दैट मींस इसके साथ रिलेशन नहीं हो सकता है, क्यों ना ओ को एन के साथ रखे, तो ओ और एन ये सिस्टर और सिस्टर का रिलेशन हो गया, ये बात कंफर्म है। अब ओ और एन जब बहन बहन का रिलेशन बन गया, तो इस एन को अगर यहां पे रखोगे और यहां पे ओ रखोगे, ओ माइनस हो गया, तो एन और ओ के बीच में सिस्टर और सिस्टर का रिलेशन हो गया, ये बात कंफर्म हो गई, ठीक है। अब एल प्लस है, तो ओ को एल के साथ रखो, तो ओ और एल हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, तो इसका एक बच्चा है पी है, क्लियर। अब आ जाओ, अब आगे क्या बोला कि ओ की जो बहन है उसका एक बेटा एस है, ठीक है, तो ओ की बहन कौन हो गई, एन हो गई, तो अब वाई प्लस में रख दो, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ, और वैसे भी आगे वाला लाइन में बोला है कि ई डज नॉट हैव एनी सिस्टर, ई की कोई बहन है नहीं, तो वाई क्या होता, ऑलरेडी प्लस होता, अब एन माइनस हो गया, तो ये दोनों वाई और एन हस्बैंड वाइफ हो गए, अब इनका बेटा हो गया एस, ठीक है। अब एक लाइन बोला था कि वाई के दो नेफ्यू हैं जिनमें से एक टी है, तो देखो वाई का एक नेफ्यू निकल गया, कैसे, क्योंकि वाई की पत्नी की बहन का बेटा, वाई की पत्नी की बहन, तो वाई की पत्नी एन और एन की बहन कौन, ओ, ओ का एक बच्चा है पी, नेफ्यू है तो प्लस हो गया, निसी तो है नहीं, तो नेफ्यू ये पी, पी का सेंटर फाइंड हो गया, ये प्लस हो गया। अब आगे है एक, एक इसका नेफ्यू मिल गया, तो एक क्या बचा, डी, तो डी यहां पे हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये हमारा फाइनल ब्लड रिलेशन निकल गया, क्लियर। अब आगे आते हैं, अब हमारा क्वेश्चन इस पे आधारित पहला 11 नंबर क्या बोल रहा है कि हु इज द हस्बैंड ऑफ एन, एन का हस्बैंड कौन है, तो एन का हस्बैंड कौन आ रहा है जी, वाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगला वाला है कि हु इज द मदर ऑफ डी, डी की मां कौन है, तो डी की मां कौन है, आर है, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैव टू सिबलिंग्स, बताएं कि परिवार में किसके दो सिबलिंग है, तो सिबलिंग की बात तो है नहीं, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 14 इनइक्वलिटीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हमको ऐड करना, देखो यहां पे, यहां भी डी है और यहां भी डी है, कॉमन लेटर क्या है, डी है, तो डी यहां रख दो, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू, ये हो गया, ये हमारा हो गया, सॉरी यहां पे भी होगा, क्लियर। अब आओ वाई, वाई इक्वल टू वी, वी ग्रेटर देन एच, एच ग्रेटर देन इक्वल टू डी, आगे इस लाइन को यहां से जोड़ दो, तो डी इक्वल टू एक्स हो गया, एक्स लेस देन के हो गया, के लेस देन इक्वल टू एफ हो गया, क्लियर। आते हैं हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर पहला बोला एच ग्रेटर देन के, एच क्या हो रहा है जी, ग्रेटर देन एक्स हो रहा है, सॉरी एच ग्रेटर देन एक्स। अब यहां से देखो एच से लेकर के एक्स तक, एच और एक्स के बीच में दो रिलेशन बनेगा, एच ग्रेटर इक्वल टू एक्स होगा, लेकिन इनमें से कोई केवल एक ही सिंबल दिया है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है, के लेस देन वाई, के हमारा यहां पे है, वाई हमारा यहां पे है, इन दोनों के बीच दो रिलेशन को कंट्राडिक्ट करेगा, क्योंकि सिंबल हमारा अलग अलग है, ये सिंबल निकल रहा है, तो ये तो इक्वेशन बनेगा नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, वी ग्रेटर देन एफ, वी हमारा यहां पे है, ठीक है, एफ यहां पे है, पुनः ये सिंबल जो दोनों तरफ से एक दूसरे को टकराव के मोशन में है, तो ये भी हमारा गलत होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर क्या, नन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑड फाइंड करना है, तो सीधी सी बात है, सोचिए कि कैसे निकला है। अब ये बोला है ए बी बी,
तो जब भी आपको लेटर बेस्ड क्वेश्चन मिले, तो पहले लेटर का वैल्यू लिख दो। लेटर का वैल्यू लिखने के बाद कुछ ना कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। बी की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। और ये 2 सीधी सी बात है ना, 1 × 2 करोगे कितना आएगा जी, 2 आएगा। ठीक है, डी ई टी। अब डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। ई की वैल्यू कितनी है, 5 है। और टी की वैल्यू कितनी है, 20 है। 5 × 4 कितना आएगा जी, 20। क्लियर। बी आई आर ये भी है, B की वैल्यू कितनी है, 2 है। I की वैल्यू कितनी है, 9 है। R की वैल्यू कितनी है, 18 है। 2 × 9 कितना है जी, 18 आ गया। बात समझ में आ रही है। अगला ऑप्शन नंबर D क्या कह रहा है, B J U। अब देखो B की वैल्यू कितनी होती है जी, 2 होती है। J का वैल्यू कितना होता है जी, 10 होता है। 2 × 10 कितना होना चाहिए, 20। 20 पे क्या आना चाहिए, T। लेकिन दिया हुआ क्या है, U है। तो ये हमारा क्या हुआ, अलग हुआ। आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। टिल हैव अ नाइस डे। क्या हुआ सर?